सर, जैसे कि आपके शो की इतनी सारे प्यार मिले, 8 साल 9 साल चल रहे, पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते सर, इतने प्यार मिले शो के, आप लोगों को मेहनत रंग ला रहा है, क्या बोलना चाहते इस ऑडियंस सबसे ये पहले? बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब शो शुरू हुआ था तब हमने नहीं सोचा था कि इतने साल निकाल लेगा। हमने तो सोचा था पता नहीं ये जो हमारा कंटेंट है, कथानक है, इसको लोग किस नज़रिए से देखेंगे, लेकिन लोगों ने इसको हाथों हाथ उठा लिया, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। और आज जो है हम लोग 8 साल पूरे करने जा रहे हैं और 2000 एपिसोड भी। वाओ, सोने पे सुहाना। जी सर, जिस तरह आप लोग रील बनते हैं, आप लोगों को डायलॉग पे कॉमेडी मतलब बनता रहता है, रील बनते हैं आप लोगों को, ये करता है, आप खुद ही देखते हो, कैसे लगता है आपको जब देखते ये हो तो? बहुत अच्छा लगता है, लोग हमारे डायलॉग्स पे रील बनाते हैं, इंस्टा पर डालते हैं, तो वो तो आपकी पब्लिसिटी, आपकी शोहरत है, इसका मतलब है कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपके किरदार को पसंद कर रहे हैं, आपके सीरियल को पसंद कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर ये बहुत बढ़िया आपका बात है। बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, मतलब जो भाभी जी घर पे है, ये उनको मतलब हमारे बच्चे बूढ़े सब देखते हैं, पर मजे लेते हैं हर चीज़ का, जिससे कैसे मतलब। जी ये बॉन्डिंग तब अच्छी होती है जब आपस के जो निजी रिलेशनशिप्स हों वो अच्छे हों, प्यार मोहब्बत हो एक्टर्स के बीच में, सेट का माहौल अच्छा हो, पॉजिटिविटी हो, तो ये सारी चीज़ें हमारे सेट पर हैं, वाह, इस वजह से हम जो है कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें क्रिएट कर पाते हैं। दूसरा हमारे राइटर्स हैं जो बहुत उम्दा हैं, मनोज संतोषी और अमित शेखावत जी हैं, उनको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। जी, हमारे डायरेक्टर हैं अभी तो ऋत्विक कर रहे हैं, हर्षिता जी करती हैं, शशांक जी पहले किया करते थे, अक्षय कर किया करते थे, तो बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं इसके साथ, जो कॉमेडी के क्रिएशन में एक बहुत अलग और उम्दा स्थान रखते हैं। तो सर हम पूछे, ये तो हो गया आपका शो के बाद, अभी लेटेस्ट करें तो क्या आप लोग क्या चल रहे हैं शो में, अभी लेटेस्ट क्या चल रहे अभी हैं? शो में हम वैलेंटाइंस डे स्पेशल कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, इसमें अचानक से एक डॉन भी आ जाता है बीच में जो हीरो का व्यापारी है, तो वो कहानी जो है बहुत ही मतलब एक तरह का एक क्राइम थ्रिलर जैसा भी है और एक कॉमेडी के तौर पर ये प्रेजेंट किया गया है। ये वैलेंटाइंस डे भी हो रहा है और बीच में बहुत सारी हीरो की हेर फेर चल रही है, जो तिवारी को किसी अनजान आदमी ने दे दिए हैं, अब वो हीरो जो हीरे जो है यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ टहल रहे हैं, और साथ में जो है वैलेंटाइन डे की कहानी भी चल रही है। बहुत बड़ा ट्विस्ट लेके आ रहे हो आप, मतलब वैलेंटाइन डे पे आप लोग, मतलब तो सबको दिल की गुदगुदाएगी अभी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये हिलेरियस कॉमेडी है इसमें बहुत। यस यस सर, एक बात और पूछना तुमने लास्टली, सेट पे जैसे आप हो, जैसे आपको पूरा टीम है, आपको टीम के जैसे परिवार जैसे आप लोग हो, राइट, जैसे एक दिन शूट नहीं तो कितना मिस करते हो आप सेट को? नहीं मिस तो करते हैं हम, जैसे हमारे लिए जो वो वाले दिन थे लॉकडाउन के, वो बड़े बुरे बुरे गुजरे थे। बार बार हमें हर रोज़ सेट सपने में आया करता था कि यार कब चलेंगे, कब शुरू होगा, तो नेचुरली जहाँ प्यार होती है, मोहब्बत होता है, मज़ा आनंद जहाँ आ रहा होता है, वो जगह तो आपको बार बार याद आती है। छुट्टी होती है तो थोड़े काम भी रहते हैं, वो भी पूरे कर लेते हैं, लेकिन सेट को तो हम हर बार मिस करते ही हैं, करेंगे भी। थैंक यू सर। लास्टली आपके फ्रेंड्स का, भाभी जी के फ्रेंड्स का और आपका फ्रेंड्स का थोड़ा बताएंगे क्या लास्ट? मैं भाभी जी घर पर रह के तमाम दर्शकों को, भाभी जी घर पर रह के तमाम कलाकारों की ओर से अनेकों अनेकों शुभकामनाएं देता हूँ, और बॉलीवुड आज तक के दर्शकों को मैं यही गुजारिश करूँगा कि अच्छे कॉन्टेंट को प्रमोट करिए और भाभी जी घर पर देखते रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू, तुम्हें सुन।